उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। घटना के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है, जहां दबंगों ने किशोरी के घर में घुसकर आग लगा दी और परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। साथ ही किशोरी के साथ भी मारपीट हुई। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मेरा रूप में घर में अकेली थी और उन लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरे साथ पूरी रेप करने की कोशिश की, मेरे कपड़े उपड़े भी उतार लिए। उनका नाम पवनेश था और उसका दोस्त था। फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया तो उन्हें मेरे भाई ने चीख के चिल्लाया हिलाया तो उन्हें तब भी नहीं मानी। जब मेरे भाई इधर उधर निकले तो उन्होंने मेरे घर में आग लगा दी। और मेरे बारी गाँव में दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष राम निवास का है और दूसरा पवनेश का है। राम निवास का कहना है कि विपक्षी द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिससे उनको चोटें आई हैं। राम निवास को उपचारार्थ पुलिस द्वारा CSC में एडमिट कराया गया है। दोनों पक्षों के मेडिकल जांच से अल्कोहल की पुष्टि हो रही है। राम निवास का आरोप है कि विपक्षी द्वारा उनके दरवाजे में आग लगा दी गई, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है और इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है।